इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जलरा ओडी 100 मिलीग्राम टैबलेट एसआर आमतौर पर तब निर्धारित किया जाता है जब अकेले आहार और व्यायाम या अन्य दवाएं आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं होती हैं। यह अकेले या अन्य मधुमेह दवाओं के संयोजन में लिख सकता है। इसे भोजन के साथ अथवा बिना लिया जा सकता है। खुराक आपकी स्थिति और रक्त शर्करा के स्तर पर निर्भर करेगा। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका सख्ती से उपयोग करें। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसे हर दिन एक ही समय पर नियमित रूप से लेना चाहिए। जब तक आपके डॉक्टर द्वारा सलाह न दी जाए तब तक दवा लेना बंद न करें। यह दवा लेने के दौरान आपके डॉक्टर द्वारा अनुशंसित आहार और व्यायाम कार्यक्रम पर रहना महत्वपूर्ण है। आपकी जीवन शैली मधुमेह को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। जलरा ओडी 100 मिलीग्राम टैबलेट एसआर के सबसे आम दुष्प्रभावों में हाइपोग्लाइसीमिया, कंपकंपी, सिरदर्द, चक्कर आना, थकान और मतली शामिल हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षणों जैसे चक्कर आना, पसीना आना, चक्कर आना, बेहोशी और मुंह सूखना को पहचानना और इससे निपटने का तरीका जानना महत्वपूर्ण है। आप चीनी या ग्लूकोज कैंडी ले जा सकते हैं और यदि आप किसी का अनुभव करते हैं तो अपने लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें रख सकते हैं। यदि साइड इफेक्ट दूर नहीं होते हैं या आपको चिंता होती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको कभी गुर्दे की बीमारी, हृदय रोग या अग्न्याशय की समस्या हुई है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ अन्य दवाएं जो आप ले रहे हैं वे इस दवा के कार्य में हस्तक्षेप कर सकती हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका डॉक्टर आपके द्वारा उपयोग की जा रही अन्य सभी दवाओं के बारे में जानता है। इस दवा को लेते समय शराब का सेवन सीमित करें क्योंकि यह निम्न रक्त शर्करा के स्तर के विकास के आपके जोखिम को बढ़ा सकता है। यह जांचने के लिए कि दवा ठीक से काम कर रही है, आपको किडनी के कार्य और रक्त शर्करा के स्तर जैसे नियमित परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है। जलरा टैबलेट एसआर के लाभ। टाइप 2 मधुमेह मेलिट्स का उपचार। जलरा ओडी 100 मिलीग्राम टैबलेट सीनियर डीपीपी 4 इनहिबिटर नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है। यह भोजन के बाद आपके शरीर द्वारा उत्पादित इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है और आपके शरीर को आपके रक्त में बहुत अधिक ग्लूकोज चीनी जारी करने से रोकता है। इस तरह यह आपके शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। यह दवा आमतौर पर दिन में एक बार ली जाती है और इसके अपेक्षाकृत कुछ सामान्य दुष्प्रभाव होते हैं। रक्त शर्करा के स्तर को कम करना मधुमेह के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि आप स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप मधुमेह की गंभीर जटिलताओं जैसे किडनी की क्षति, आंखों की क्षति, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर देंगे। मधुमेह का उचित नियंत्रण हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को भी कम कर सकता है। आहार और व्यायाम के उचित कार्यक्रम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। जब तक यह निर्धारित किया गया है तब तक आपको इसका उपयोग करते रहना चाहिए क्योंकि यह आपके भविष्य के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा है। जलरा टैबलेट एसआर के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। जलरा के सामान्य दुष्प्रभाव। हाइपोग्लाइसीमिया, निम्न रक्त शर्करा का स्तर, झटके, सिर दर्द, चक्कर आना, थकान, जी मिचलाना। जलरा टैबलेट एसआर का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, क्रश या तोड़े नहीं। जलरा ओडी 100 मिलीग्राम टैबलेट एसआर भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।